खत्म हो गया। ताऊ जी का रिश्ता है ना मोटा पापा, वो रिश्ता खत्म हो गया। वैसे ही रिश्ते सीमित हो गया है, अब रिश्ता बचा ही नहीं। अब उस रिश्ते में भी आप बेटी अलग कर दोगे तो रिश्ता बचेगा क्या? रिश्तों का ही रिश्ता टूट जाएगा। तो हमें नारी को भी जागृत होना पड़ेगा और पुरुष को भी जागृत होना पड़ेगा। पुरुष को भी इस विचार में सोच करना है, क्योंकि पुरुष पिता भी है, भाई भी है, किसी का जीजा जी भी है, किसी का साला भी है। बहुत सारे रिश्ते देखे, जब आप लड़की का निषेध कर देंगे तो बीवी नहीं होगी तो किसी के साले भी नहीं बनोगे आप, साहू भाई भी नहीं, को ब्रदर भी नहीं बनोगे। तो सभी अव्यवस्था बनती है। आपको ये सोचना कि ये पारिवारिक हिंसा, स्त्री जाति का शोषण, इसे हमें बंद करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आज काम करने के लिए कंप्यूटर मिल गया, परंतु मानव जीवन में जीवन साथी बनने के लिए कोई कंप्यूटर तैयार होने वाला नहीं है। आपका काम करने बताने के लिए मशीनें आ गई है ना। पहले जो मजदूर 100 मजदूर काम करते थे, आज एक मशीन काम करती है, एक मशीन काम करती है। एक अकेला ऑफिस में 10 क्लर्क जो काम करते थे वो एक कंप्यूटर करता है। सबके लिए मशीन बन जाएगी, परंतु पत्नी और माँ के लिए कोई मशीन मिलने वाली नहीं है। विज्ञान कितनी भी उन्नति कर ले, परंतु माँ जैसा मातृत्व भाव दे दे, बहन जैसा प्यार दे दे, ऐसी कोई मशीन बनने वाली नहीं है। चेतन मशीन को जन्म देने का काम तो स्त्री ही कर सकती है और उसकी रक्षा भी स्त्री कर सकती है। माँ के लिए मैं लड़कियों ने बहुत कुछ कहा, बहुत सम्मान की बातें कही। ये कहते हैं कि पुत्र को पुत्र हो जाए परंतु माता भी माता नहीं होती। परंतु इस विज्ञान का युग की कुप्रभाव कहूं या क्या कहूं, आज माता भी कुमाता होने लगी है और स्त्री ही स्त्री को मारने लगी है। मैं आज भी कहती स्त्री हट, स्त्री हट के सामने पुरुष को भी झुकना पड़ता। यदि आज स्त्री ये विचार कर ले कि कैसे भी हो मुझे इस समस्या से निपटना है, मैं अपने जीवन में किसी स्त्री का नाश नहीं करूंगी, तो सरकार का आंदोलन की जरूरत नहीं है। दादी माँ को आप तो देखती है कि मेरे घर में बहू आएगी, परंतु दादी माँ ये ख्वाब देखने लगी कि मेरे घर में एक बारात भी आएगी तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाए। क्यों? ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि एक बेटी जो अपने माँ को प्यार करती वह बेटा नहीं करता है। मनोवैज्ञानिक सत्य है ये कि स्त्री कभी भी माँ के आने के पहले यह बेटी अपने ससुराल वालों से कैसी भी सत्रह झूठ बोलकर माँ की सेवा के लिए आ जाती है, पर समझ में नहीं आता इस माँ को क्या हो गया। जबकि इतिहासकारों ने माँ को बड़ा सम्मान दिया। अभी एक वक्त ने कहा था, बहुत बार स्कूलों में लिखा भी रहता है, जननी जन और जनभूमि किसके समान है? जनक जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने कहा कि जनक और जन्मभूमि स्वर्ग के समान है? क्या कहा? जननी और जन्मभूमि। इतना बहुमान मिलने के बाद भी आज की स्त्री न मालूम किस चक्की का आटा खाने लगी है कि स्त्री स्त्री की घातक बनती जा रही है। आपको जागना पड़ेगा। ये जो भी हम इस प्रकार का संकल्प नहीं करेंगे, स्त्री स्वयं जागृत नहीं हुई, देश आजाद हो गया, ठीक हो गया, मान ली आपने बात। मैं ये कहती हूँ
समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ सकती क्या? बढ़ सकती है। आज तो आपकी कूख में पलने वाली बेटी क्या कह रही है, माँ इससे अच्छे और दे समय तो वो था जब हम आजाद की बजाय परतंत्र थे, कम से कम तिरंगियों ने हमें तो नहीं मारा, इस देश में ये आजादी हमें तो कलंक बन के हो गई कि जब से देश आजाद हुआ दिनों दिन लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। अब पेट में पलने वाला बालिका शिशु यही कह रही है, माँ इससे अच्छा तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पीरियड अच्छा था, कम से कम हमें मारा तो मिल जाता था। चाहे जैन हो, चाहे वह शिवसेना हो, चाहे वह बजरंग दल हो, चाहे वो जैनी हो, इस भूमि पर कोई बूचड़ खाना बनता है तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बूचड़ खाना बंद करो, परंतु घर के बूचड़ खाना को कौन बंद करेगा, इसके लिए कौन क्रांति करेगा, बताइए तो जरा। आज दिन न्यूज पेपर में पढ़ने मिलता है एक कन्या भ्रूण सड़क पर मिला, पर एक लड़के का भ्रूण मिला कहीं पढ़ने में आता है, बताइए आप। जो लड़की लड़की की रक्षा नहीं कर पा रही है, स्त्री स्त्री की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, हमें जागना पड़ेगा। नहीं जागे तो बस यही होगा प्रैक्टिकल समस्या, लोगों को कुंवारा रहना पड़ेगा। दूसरी बात, समाज में व्यभिचार बढ़ेगा, व्यभिचार बढ़ेगा, स्त्री सुरक्षित नहीं रहेगी। आज आपको मालूम संसार में कोई भी रिश्ता तार तार नहीं हुआ हो ऐसी बात नहीं है, आए दिन पेपर में आता है। हम कर्नाटक में बिहार करते समय 89 की बात, हम बिहार करके जा रहे थे, एक गांव में सगे भाई बहन ने शादी कर ली, क्या हुआ, सगे भाई बहन ने शादी कर ली, तो गांव के लोगों ने उन दोनों का मुंह काला करके बाजे बजा के उनको गांव के बाहर निकाल रहे थे, और हम उसी टाइम गांव में पहुंच रहे थे, तो हमने पता लगाया कि भाई ये क्या हो गया, तो बोले सगे भाई बहन ने शादी कर ली, तो उसी का दुष्परिणाम कि अब हमारे गांव में दुर्भिक्ष होगा, ऐसे पापी जीव रहेंगे, तो हमने इन्हें गांव से निष्कासित कर दिया। जब आप टीवी पर इस प्रकार की अश्लीलता परोसी जाएगी तो यही समस्याएं आएंगी, और जब लड़की कम हो जाएंगी तो जीवन में दाम्पत्य जीवन संभव नहीं हो पाएगा, तो व्यभिचार को संघना होगा, व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेगी, माँ का रिश्ता भी कलंकित हो जाएगा, बहन का रिश्ता भी कलंकित हो जाएगा, अन्य रिश्ते तो कलंकित है ही। बहुत सूक्ष्म चिंतन करें इस बात पर, आप इसको एक समस्या नहीं, ये समस्या तो अनेक समस्याओं की जननी बन जाएगा, पारिवारिक जीवन अवस्थित हो जाएगा, राष्ट्र का देश का विश्व का मानव संस्कृति इस प्रकार की बन जाएगी कि आप किन कर्तव्य विमूढ़ खड़े हो जाएंगे और समझ नहीं पाएगा तब हम क्या करें। और मानव जीवन में मनुष्य को उम्र के अनुसार एक साथी की आवश्यकता होती है, कभी माँ चाहिए तो कभी मित्र चाहिए तो कभी पत्नी चाहिए तो कभी बेटा चाहिए, क्योंकि ये सच है कि जीवन में पत्नी आवश्यक है, अनिवार्य तो नहीं है, आवश्यक जरूर है, तो जब एक आवश्यक है तो जब हमने रोटी पानी कपड़ा को सुरक्षित रखा है तो हमें इसको भी सुरक्षित रखना चाहिए। हम इस प्रदूषण बाहर का वातावरण मिल रहा, हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, परंतु सबसे पहले विचार शुद्ध नहीं है, जब विचार शुद्ध हो जाएंगे तो ये सब शुद्ध अपने आप हो जाएंगे। इसलिए समस्या के लिए हम कितनी भी क्रांति कर लें, कितनी भी रैलियां निकाल दें, कितने बैनर बना दें, कुछ भी कर दें, परंतु सबसे पहले आवश्यकता होगी कि हम इस बात को जानें,
कि यह हमारे जीवन में जीवन संजीवनी है। मेरी माँ के रूप में मेरे को बेटी चाहिए, लड़की चाहिए, बहन के रूप में मेरे को बेटी चाहिए, पत्नी के रूप में मेरे को बेटी चाहिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लड़के नहीं होंगे तो लड़कियां बाह्य संस्कार कर देंगी, आए दिन न्यूज पेपर में आ रहे हैं, बाह्य संस्कार की समस्या हल हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी रक्षण करने वाली मिल जाएगी, परंतु आपको बेटी जन्म देने के लिए तो बेटी ही चाहिए। इसका कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, जब स्थानापन्न वस्तु आ जाती है तो उसकी मांग खत्म हो जाती है, और जब मांग खत्म हो जाती तो कीमत खत्म हो जाती है, परंतु इसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसलिए आपको जागना पड़ेगा। सबसे दुख की बात तो ये है, जब भारत में कोई भी समस्या खड़ी होती है तो उसका समस्या का सबसे पहले जना उसका ताश पहना दिया जाता कि भारत में शिक्षा नहीं है। जनसंख्या बढ़ी क्यों? अशिक्षा के कारण। गरीबी क्यों आई? अशिक्षा के कारण। यही तो पढ़ाते इकोनॉमिक्स में। जब मैं बीए सेकंड ईयर में थी, इंडियन इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट था, तब उसमें यही था, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अशिक्षा। परंतु सरप्राइज इस बात का है कि अवॉर्शन कराने, गर्भपात कराने, भ्रूण हत्या कराने में शिक्षित नारी सबसे आगे है, क्योंकि उसे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। अब मैम बन के घूमना चाह रही है, स्कूटर पे घूमना चाह रही है, दो बच्चे दो लड़कियां हो जाएंगी तो मेरी स्कूटर नहीं आ पाएगी, तो उसे स्कूटर चाहिए, नई नई साड़ियां पहनने को चाहिए, घर की आर्थिक स्थिति को संतुलन में लाने के लिए। वह अपनी इच्छा को संतुलित नहीं करती है, संतान को संतुलित करने के लिए विशेष रूप से स्त्री के जन्म को रोक देना चाहती है। आपकी बढ़ती हुई आकांक्षाओं ने सोचा है कि स्त्री का पालन पोषण कौन करेगा। इन सब समस्याओं में आपको इस समस्या के सामने खड़ा कर रहे, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन ना करें। शिक्षित नारी शिक्षित होकर के भी यदि आप इस प्रकार का पुरुषार्थ करती हैं, तो बड़े चिंतन सूक्ष्म चिंतन की बात है कि अशिक्षित तो समझ नहीं रहे। शिक्षित समझते हुए भी अंधा आदमी यदि सड़क पर गिर जाता है तो लोग उसे हेल्प करते हैं, खड़ा कर देते हैं और कहते हैं आपको कहाँ छोड़ दें, चलिए हम आप छोड़, परंतु एक जब आंख वाला आदमी जवान युवा तो सड़क पर गिर जाता है और किसी दूसरे को भी गिरा देता है तो लोग क्या करते हैं, सिर पर थपड़ी कर देते हैं, करते नहीं कि दिखता नहीं है तेरे को। ऐसा ही अशिक्षित नारी यदि अंधविश्वास में फंसती है तो फंसी रहे कोई बात नहीं, वो बिचारी करुणा के पात्र है। पर शिक्षित नारी जो कंधे पर पर्स लटकाने में अपनी सुख की अनुभूति समझती है, स्कूटी चलाने में अपनी गौरव समझती है, परंतु यदि कहीं बच्ची घर में जन्म लेगी तो उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि जैसे 3 दिन से खाना ना मिला। तो इस चिंतन सोच को बदले आप, समय हो रहा आपका 11:30 हो गए और हमारी साधुचर्या का ध्यान का समय हो रहा। मैं आपसे अंत में यही कहूंगी कि वास्तव में आपने सुना है, मैं तो पहले ये कहूंगी बेटी बचाओ देश बचाओ नहीं, बेटी बचाओ खुद को बचाओ, बेटी बचाओ खुद को बचाओ। कम से कम जब तुम खुद को बचा लोगे तो निश्चित तुम एक बेटी को बचा लोगे, और बेटी बच जाएगा तो परिवार बच जाएगा, परिवार बच जाएगा तो शहर बच जाएगा, शहर बच जाएगा तो देश बचाएगा, और देश बचा है तो विश्व बचा है, और खुद बचे हैं तो संस्कृति बची है। उत्कर्ष नाम मंडल ने इस आयोजन को, उन्होंने मेरे आके कहा कि माता जी कुछ प्रतियोगिताएं करनी है, कुछ स्पर्धाएं करनी है, तो मैंने एक ज्वलंत समस्या, जब ये समस्या बचेगी तो अहिंसा धर्म का पालन समय होगा। और आज भी जिस दिन आपके अंदर इस अहिंसा धर्म का पालन करने की बात आ जाएगी तो आप इस समस्या का समाधान खोज लेंगे। पूरा महाभारत में आता है कि जब द्रौपदी के
क्या कहा, मेरे पुत्र तो मर गए हैं, दूसरी नारी बहुत उसके पुत्र मार देंगे तो मेरे पुत्र तो मिलने वाले नहीं है। और दो तीन दूसरे के पुत्र को नहीं मिलने दिया। आजाद चाहे उसे जीवन दान समझे, जब कन्या दान करते आप एक बार सोचना, पैसे का दान बुढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। चाहे वो पैसे का दान हो, औसत दान हो, फल दान हो, वस्त्र दान हो, परंतु कन्या दान कौन करता है? पैसे का दान पैसे वाला करता है, परंतु कन्या का दान दिलदार करता है। जिसके पास एक कन्या है वही कन्या दान कर सकता है, जिसके पास कन्या दान नहीं है वो कन्या दान नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इस विषय को चुना था। उत्कर्ष मंडल वालों कहा कि आप यही विषय रखें, तो मैंने इस विषय का आयोजन किया। जब इंसान संवेदनहीन हो जाता है तो इस प्रकार की क्रियाएं करने लगता है। पुनः आप अपनी संवेदनाओं को जीवंत करें। और जीवन में जब हम किसी को जन्म, मनुष्य स्त्री को जन्म देने का अधिकार है, पुरुष को जन्म देने का अधिकार है, परंतु जन्म लेने का अधिकार नहीं है। आपके शरीर की रचना से किसी मारने का अधिकार नहीं, न बड़े नाखून नहीं है, बड़े दांत नहीं है, बड़ी सींग नहीं है, है? बस शेर के बड़े दांत नाखून है, बड़े दांत है क्योंकि उसे शिकार करना है, किसी के सींग है क्योंकि उसे शिकार करना है। मनुष्य की शारीरिक रचना बता रही है यह किसी को मारने वाला नहीं है, परंतु दुख की बात है कि सबसे ज्यादा यही मारने लगा है। इसीलिए ये विषय को आयोजित किया गया था कि आप जो वर्तमान की समस्या है, हिंसा को जन्म दे रही है, भ्रष्टाचार को वो जन्म दे रही है, अनेक समस्याओं का जन्म हो रहा है, परिवार की सुख शांति भंग हो रही है और शारीरिक स्वास्थ्य भी नष्ट हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य तो नष्ट हुआ है। तुमने इस आयोजन को सुना, आपने बहुत अच्छे से सुना और आज मैं आते आते विचार कर रही थी, समझ में नहीं आता इस एक महीने में 15 अगस्त को आई हूँ पहले यहाँ, 15 अगस्त को प्रवचन करने के लिए। लोग सोच रहे होंगे ये माता जी सब कुछ बोलती है, 15 अगस्त को आई थी तो राष्ट्रपिता के बारे में बोल के गई, फिर 21 को आए तो क्षमावाणी के बारे में, और आज क्योंकि संत का यही रूप है कि देश को, समाज को, परिवार को, नैतिकता को, सबको सुरक्षित रखे। तो आपको मैंने देश की आजादी के बारे में कहा था कि जीवन में क्षमा के लिए कहा, तो आज इसी हॉल में आज मैं उन बेटियों की जिंदगी के बारे में कह रही हूँ, जो बेटियां वास्तव में बेटी को जन्म देने वाली है उनकी जिंदगी सुरक्षित रखें। आप बीमा जन्म लेने के बाद नहीं कराना है, जन्म लेने के पहले बीमा कराना है कि हम किसी बेटी को नहीं मर दे। आप जन्म के बाद तो बीमा कराते हैं कि मेरा बच्चा पैसे मिलता है, परंतु नहीं, आज गर्भ में रहते ही बीमा कराना है कि मैं किसी बेटी को नहीं मरने दूंगा। तो मैं आज बहुत विचार कर रही थी कि क्या बात है, 1.5 महीना लगभग होने पे आ रहा हूँ, मेरे 3 बार राउंड हो गया यहाँ, तो ये समाज स्कूल में जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ मानव जीवन सिखाना भी, जीना भी सिखाना चाहिए। तो व्यवस्थापक यहाँ के आचार्य इन कार्यों में प्रयत्नशील रहते हैं, उत्साही रहते हैं और इस कार्य के लिए बड़े साहस से तैयार हो जाते हैं। यूं भी उनकी एक आदर्श चिंतन का, आदर्श सोच को भी व्यक्त करता है। वो एक मनुष्य होने के साथ साथ एक चिंतनशील व्यक्ति भी है। तो इस स्कूल के शिक्षक भी
यदि वे पढ़ा रहे हैं तो प्रवचन के माध्यम से पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि शिक्षक हमेशा पढ़ता रहता है, पढ़ाता नहीं है। और जो पढ़ता नहीं है वो पढ़ा नहीं सकता, जो पढ़ता है वही पढ़ा सकता है। तो मैंने भी उन्हें 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो वास्तव में इस समस्या का समाधान सरकार के पास नहीं, हमारे पास है। बस अब हम एक ही संकल्प कर ले, जैसे वैदिक संप्रदाय में जब रामायण होती है, महाभारत होता है, कोई सत्यनारायण की कथा होती है, तो यजमान को बाद में क्या करना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है। जैन धर्म में जब कोई अनुष्ठान कर लेते हैं तो जैन धर्म में मुनि आदि का अर्थ संग्रह नहीं करते हैं, तो मंदिर जी में दान करना पड़ता है, तो मंदिर में दान करना पड़ता है। इस्लाम धर्म वाले को नियम है कि उसे जरूर एक बार हज करना पड़ता है। वैदिक संप्रदाय बनारस की काशी की यात्रा करनी पड़ती है, यानी कुछ न कुछ तो नियम लेना पड़ते हैं। आज ही आपको एक नियम लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में किसी स्त्री की हत्या नहीं करूंगा, चाहे वह गर्भ में हो या बहू बन के आए तो दहेज की प्रकार ना हुए। स्त्री का शोषण तो दुल्हन बन के भी होता है, जन्म लेते समय भी होता है, और जब वृद्ध हो जाती है तो बेटा पोता खाने को नहीं देता, जब भी स्त्री का शोषण होता है। तो इसीलिए हम अपने जीवन में किसी स्त्री के रूप में खिलते हुए गुलाब को हम कभी नष्ट नहीं करेंगे, यही आपको दक्षिणा देनी चाहिए। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहा है कि 100 बार खैरात करो।